बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, मचा कोहराम। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्कूल बस खड्डे में गिरी, बच्चे हुए घायल। सूचना मिलते ही मचा हड़कंप, तुरंत मौके पर पहुंचा प्रशासन। घायल बच्चों को इलाज हेतु भेजा अस्पताल और खड्डे में गिरी बस में मची चीख पुकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फरुखाबाद इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस बच्चों सहित खड्डे में जा गिरी और बस में चीख पुकार मच गई। बस में बैठे दो बच्चे घायल हो गए और बाकी बच्चों को मामूली चोटें आईं। आपको बताते चलें कि पड़ोसी जनपद के कस्बा जलालाबाद स्थित सरोजी पब्लिक स्कूल की बस बच्चों सहित खड्डे में जा गिरी। घटना के दौरान बस में 37 बच्चे सवार थे। क्या नाम है आपका? आयुष यादव। कहाँ हूँ आपका? क्या घर घर कहाँ है? कलान। कलान, ये कैसे हादसा हो गया आज? वो क्या नाम, शायद बाइक थी आगे, तभी उसी को बचाने में चक्कर में हो गया। कब से पहले दो जगह और बचे थे। कहाँ पे बचे हैं? एक ब्रेकर में एक बच्चे की चोट लगी थी, तब उसके खून निकला था। जी जी। और दूसरी बार क्या नाम, ट्रक को बचाने के चक्कर में। ट्रक को जो बचाने चक्कर में। तो कितने बच्चे लगे हुए थे इस गाड़ी में आज? 40 से 50। तो स्कूल कहाँ जा रहे थे आप? जलालाबाद। जलालाबाद जा रहे हैं तो 40-50 मतलब आज एक इसकी लापरवाही, बच्चा क्या गाड़ी तेज चला रहा था ड्राइवर क्या? हाँ 60 पे थी लगभग। 60 पे थी तो हैन कैसे पलट गई? यहाँ पर शायद बाइक से बचा रहे थे। बाइक से बचा रहे थे। कितने बच्चे घायल हुए? दो तीन। घायल कितने हुए? दो तीन हो गए। दो तीन घायल हो गए। चालक क्या भाज गया है क्या? वो शायद वो पुलिस लेके गई है। पुलिस लेके गई है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। गाँव? कलान। ये हादसा हो गया, कैसे हादसा हो गया? ये बाइक को बजा रहे थे। बाइक को बजा रहे। बाइक को बजा। कितने बच्चे घायल हो गए? बच्चा एक ही घायल हुआ है, बाकी सबके चोट है। इसे चोट है। आप अपर साहब से कह रहे थे ना, तो कोई प्रिंसिपल आया है ना कोई मैनेजर आया है, क्या है? ना डायरेक्टर आए हैं, प्रिंसिपल आए हैं। ड्राइवर है, ड्राइवर क्या रोज इतनी लापरवाही गाड़ी चलाते हैं? तेज तो हमेशा ही चलाते हैं। और अभी बच्चे की एक चोट भी लगी थी थोड़ी देर पहले, ब्रेकर से ज्यादा तेज पे था, वो उड़ गया था ऊपर के लिए, चोट लग गई थी इसके। मौके पर बच्चों ने बताया कि वाहन चालक बस तेज गति से चला रहा है, इस कारण पहले झड़प भी हो चुकी है। ये घटना बुधवार सुबह की है। स्कूल बस चालक रोजमर्रा की तरह बस में बच्चों को लेकर आ रहा था और थाना अमृतपुर के ग्राम नगलाहूसा के निकट सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी। बस के खड्डे में गिरते ही चीख पुकार मच गई और जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा, लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना के दौरान ढाई गांव निवासी 15 वर्षीय कक्षा 10 का छात्र आदित्य पुत्र वीरेंद्र व उसकी 12 वर्षीय बहन दिव्यांशी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु CHC भेजा गया। अन्य बच्चे चुटहिल हुए। आदित्य, पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर वीरेंद्र। अच्छा, कौन से गांव के आप निवासी हैं? हम ढाई गांव के। ढाई गांव के निवासी हैं। क्यों, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल कौन सा है आपका? अच्छा, आज जो यहाँ पे हादसा हुआ है, कैसे हुआ है कुछ पता? मोटरसाइकिल वाला था, उसको बचाया चक्कर में पलट गई। अच्छा, बता रहे हैं कि अमृतपुर कस्बा में भी एक बच्ची है, क्या ऐसा है? अमृतपुर कस्बा जो पीछे पड़ता है, इसमें ट्रक से बच्ची है? ट्रक से बच्ची है, पता नहीं, हमने देख नहीं पाया था, मैं तो पीछे बैठा। और आपके बता रहे हैं चोट पहले कहीं लगी है, कहाँ पे लगी थी? पृथ्वीपुर के पास। अच्छा, पृथ्वीपुर के पास लगी थी। क्या तेज गाड़ी थी उस समय? उस समय पता नहीं, हम तो पीछे यानी रीडिंग कर रहे थे उसकी बुक की। अच्छा, बुक की रीडिंग कर रहे। ध्यान नहीं दे पाया। ध्यान नहीं दे पाया तो गाड़ी तेज चला के लाए? पता नहीं। रोज कितनी तेज चलाते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? सही चलाते हैं। आज क्या लेट आए थे क्या आपको उठाने के लिए? नहीं, तो टाइम से। स्कूल कितने बजे का है? स्कूल बस के पलटने की खबर से हड़कंप मच गया और तुरंत घटना स्थल पर SDM राघवेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष मीनेश पचौरी और बाद में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर जांच पड़ताल की।
कुछ भी बोलो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं डायरेक्टर सर। इतना बड़ा हादसा हो गया, डायरेक्टर सर को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्रिंसिपल मैम भी नहीं आए और जो नहीं नहीं आपने जिम्मेदार आप कुछ कह तो सकते हैं, उनके खिलाफ भी तो कुछ लिख सकते हैं। उसके लिए तो कर ही रहे, पूछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तहरीर मांग रहे हैं, लिख के देंगे हम, हम थाने पहुंचेंगे अभी लिख के देंगे। आपको बताते चले कि बसको मिर्जापुर के ग्राम घटिया निवासी सुनील पुत्र रामपाल चला रहा था। परिजनों व छात्र छात्राओं ने चालक को तेज गति से बस चलाने का आरोप लगाया। खैर पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। और आपको ये भी बताते चले कि स्कूल बस में इन नियमों का पालन होना जरूरी है कि स्कूल बस में लगा स्पीड मीटर हर 6 माह में अपडेट होना चाहिए। स्कूल बस का परमिट होना अनिवार्य है। बस में चालक के साथ परिचालक व छोटे बच्चों के लिए एक महिला असिस्टेंट, इसके साथ चालक के पास 2 वर्षों का अनुभव होने के साथ साथ ट्रेनिंग व टेस्ट पास करना और सबसे जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन। परंतु इन सब बातों का इस जनपद में कोई मतलब नहीं। यहां सब जानते हैं कि विभाग के लिए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। खैर घटना स्थल पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। जो कि जलालाबाद शाहजहांपुर में है, कारान से बस बच्चों को लेके, इसमें 37 बच्चे थे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के, उनको लेके स्कूल पर जा रही थी। इसी बीच में बता रहे कि ओवरटेक करते समय बस खाई में गिर गई और करीब 37 बच्चे थे, जिसमें कि एक बच्चा जो है आदित्य बराबर में खड़ा है, इसको हल्की चोट आई है, बाकी सब अच्छे से कुशल है और इसको भी बाद इलाज भेजा जा रहा है। सारे बच्चों को अब उनके गार्जियन के साथ उनके संबंधित घर में भिजवा दिया गया है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। ठीक है सर, बताया जा रहा है सर इससे पहले भी बस जो कई जगह कट मारा है बस चालक ने। देखिए मैंने कहा कि ड्राइवर को हिरासत में दिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ठीक है सर।